খাও, তুমি খাও। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी 2 बज रहे हैं तो चिकू का खाना कंप्लीट हो गया है, लंच उसको मैंने 1 बजे ही खिला दिया था। और उसके बाद ना मैं अभी उसको जूस पिला रही हूँ मौसमी का, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैंने एक व्लॉग में बोला था कि जूस पीने का जो टाइम है वो उसका गड़बड़ हो जाता है। वो स्नैक के टाइम पे मतलब 11 बजे मैं उसको केला खिलाती हूँ, एप्पल खिलाती हूँ, तो ये जूस ना गैप हो रहा था। तो इसीलिए मैं इस टाइम पे मतलब लंच के 1 घंटे के बाद मैं उसको अभी पिलाने बैठी हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आज भी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग के एंड में, चाहे एंड में हो या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मिडिल में ही डालूंगी, आप ज़रूर देखना। कई कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रेकफास्ट क्या दूँ मतलब बड़ों के लिए, एंड ब्रेकफास्ट तो फिर भी हो जाता है कॉर्नफ्लेक्स ये वो, लेकिन शाम का जो नाश्ता है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या दूँ। मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ चाउमीन ये सब बनाना मुमकिन नहीं होता है, और कुछ अलग सा भी खाने का मन होता है लेकिन होता नहीं है कुछ। तो इसके लिए आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रेसिपी बनाऊंगी, होम स्टाइल रेसिपी है, मतलब ऑथेंटिक रेसिपी, लेकिन एकदम ऑथेंटिक वे से मैं नहीं बनाऊंगी, होम स्टाइल आपके किचन में जो कुछ है उससे ही आप बना के एक हेल्दी सा बना सकते हो। तो वो मैं मिडिल में या तो फिर लास्ट में डालूंगी, आप जरूर देखना उसको। की भालो तो हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, तो राहुल, मैं और चीकू थोड़ा सा घूमने निकलेंगे। तो उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने एक वीडियो किया था कि ऑल अबाउट चिया सीड के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। तो आप में से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि चिया सीड कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने तब आपको बोला था कि मैं लोकल एक शॉप है एपोलो मेडिसिन शॉप, वहाँ से ही मैं मंगवाती हूँ, और मैंने बोला था कि ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन कोई भी लिंक मैंने नहीं दिया था और कोई भी कंपनी का नाम भी मैंने नहीं बोला था। तो क्या हुआ है, कुछ दिन पहले मैंने चिया सीड ऑर्डर दिया था, वो आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही इसको मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ और आपको इस कंपनी का नाम भी बता देती हूँ, जिसे अगर आप खरीदना चाहो ना तो आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हो। मैं लिंक भी ज़रूर से ज़रूर एकदम ना भूलते हुए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये है वो पैकेट, आज ही अमेजोन से डिलीवरी हुआ है, और इसके अंदर है वो, ये देखिए, हाँ तुम्हें ख्याल, और ये है वो चिया सीड का पैकेट, आप देख सकते हो, है ना। ये कंपनी का नाम है ग्रीनेरा, एंड इसका नेट वेट है 250 ग्राम, और ये मैं दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ आपको, रुक जाइए। तो आया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुतों ने बोला था कि खरीदना तो है लेकिन कहाँ से खरीदे पता नहीं है। तो इसके लिए ये देखिए इसका पैकेजिंग, एक ग्रीनेरा कंपनी का है चिया सीड, और इसका वेट है 250 ग्राम, और इसका प्राइस पीछे लिखा हुआ है 275, आप देख सकते हो 275 इसका प्राइस है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, मुझे अराउंड 250 या 240 ऐसा कुछ मिला है इसको। तो ये है वो, डिलीवरी भी इसका फ्री था। पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, किसी बात को नहीं बाबा, ये देखिए वो चिया सीड, ना এটা তোমার খাবার জিনিস নয়, এটা মায়ের, খাইনি, দেখাচ্ছি সবাইকে, দেখিয়ে দি, ইয়ে দেখিয়ে ये है वो, मैंने पहले भी इसको खाया है, मैंने बोला ना पीयू खरीदती है ये कंपनी का ही बहुत दिनों से, तो आज ही मैंने खुद ऑर्डर दिया है, इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इसको अभी मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, और हर रोज बस 2 चम्मच, तो यही मुझे दिखाना था, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं फिर से आ गई हूँ, इसके साथ ना एक बहुत अच्छा स्पून भी फ्री में मिलता है, देखेंगे आप। ये देखिए, मैंने इसको इस जार में भर दिया है, और ये वाला स्पून इसके साथ फ्री है, कितना क्यूट है देखिए, और आप इससे मेजर करके ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 1 स्पून ही आपके लिए काफ़ी है 1 दिन के लिए। ये देखिए,
तो एक स्पून ही एकदम काफ़ी है, तो ज़रूर खरीदना इसको। मैं लिंक दे दूंगी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हे गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला है ना कि मैं आज आपको दिखाऊंगी एक टिफ़िन रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस टिफ़िन रेसिपी एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेकफास्ट हम लोग बना लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ये वो ये सब बन जाता है, लेकिन शाम के टाइम पर हर रोज़ क्या टिफ़िन बनाएं जो टेस्टी भी हो, तो वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो आज जो रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी वो आप वीक में एक बार ज़रूर बनाना घर पर और सभी लोगों को चौंका देना, क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही सिंपल वे में आज आपको मैं दिखाऊंगी पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा सभी को खाना बहुत पसंद है, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है, तो कैसे मैं वो बनाती हूँ वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये ऑथेंटिक जो पिज़्ज़ा है वो ये नहीं है। ऑथेंटिक पिज़्ज़ा में आपको पिज़्ज़ा बन चाहिए होता है, जो हमारे यहाँ पे मार्केट में मिलता था, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में अभी आते नहीं हैं, आपके वहाँ पे शायद मिल जाएंगे। तो बन लगता है, या तो फिर आप वो बन घर पे भी बना सकते हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बनाना, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसको बनाने में, क्योंकि ईस्ट डालना पड़ता है, वो जो मैदा है उसको फुलाना पड़ता है। तो हर रोज़ के लिए या तो फिर कभी कभी आप जल्दी में हो तो कुछ एकदम झटपट बनाना है तब आप उसको नहीं बना सकते। तो मैं वो जो रेसिपी है वो बन का पिज़्ज़ा बन का वो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड के साथ कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं वही मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्रेड हम लोगों के पास घर में होता ही होता है, सभी के पास तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है घर में। तो ब्रेड से जैम लगा के खाना, या तो फिर ब्रेड बटर, या तो फिर सैंडविच, ये खा के हम लोग पक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सा है, आप देखिए एकदम क्विक बन जाएगा, 2 या 3 मिनट लगेंगे और अवन भी नहीं लगेगा, आप गैस पे ही कढ़ाई में ही आप बना सकते हो। तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो गाइज, रेसिपी शुरू करने से पहले एक बात है जो मुझे आप लोगों से करनी है कि अगर रेसिपीज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने में, ये सारे वीडियोस बनाने में। और आप अगर सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है, मैंने बार बार आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये वाला ब्रेड। ये जो ब्रेड है ये लोकल ब्रेड है, ये वाइट ब्रेड है, देखिए आप, ये माँ अन्नपूर्णा का ब्रेड है। तो ये एकदम वाइट सिंपल सा ब्रेड है जिसको मैंने लिया है। आप चाहते हो आप ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये 2 स्लाइस मैं बनाऊँगी, इसके लिए 2 स्लाइस मुझे चाहिए होगा। और मैंने एक लिया है ये एगलेस मेयो, मैंने एगलेस लिया है, आप विथ एग मेयो भी ले सकते हो। ये मेयोनीज है, ये डेल मोंटे का मेयोनीज है, इसको मैंने नेट से ख़रीदा है अमेजोन से। ये हमारे लोकल शॉप में भी मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया है, बहुत ही अच्छा है। एक पूरा पैकेट ऑलरेडी मेरा ख़त्म हो चुका है, ये नेक्स्ट वाला पैकेट है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हो। और इसके लिए मुझे चाहिए एक सॉस, तो ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसको भी मैंने अमेजोन से ही लिया है। ये अगर आप पास्ता बना रहे हो, पिज़्ज़ा बना रहे हो, तो अगर आप टोमेटो केचप उसमें डालोगे ना, तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब ऑथेंटिक सा टेस्ट नहीं आता है। तो अगर आप ये वाला पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ करोगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसको भी मैंने लिया है अमेजोन से। सारी चीज़ों का जिन चीज़ों को मैंने अमेजोन से मंगवाया है सभी का लिंक मैं ना भूलते हुए इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप एक बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये है विन ग्रीन्स का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये मुझे चाहिए होगा। और मैंने लिया है ये पिज़्ज़ा मिक्स, एंड मैंने लिया है ये ओरिगैनो। पिज़्ज़ा मिक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, और ये ओरिगैनो है, ये दो मैं यूज़ करूँगी एज अ सीजनिंग। और मैंने लिया है कुछ क्यूब्स, ये चीज़ क्यूब्स, अमूल का चीज़ क्यूब्स है। एक्चुअली आप जब ये बना रहे हो तो एकदम ब्रेड के ऊपर ही अगर आप जो अमूल का चीज़ स्प्रेड आता है वो डालोगे तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन आज मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट का जो हालात है वो भी कुछ खास नहीं है, कुछ चीज़ मिल रहा है कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे ये मिला है, मैं यही ला के रख दिया है मैंने फ्रिज में, इससे ही मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं।
अभी सब्जियों में मुझे चाहिए ये एक प्याज, ये एक नहीं लगेगा, दो स्लाइस के लिए थोड़ा सा ही लगेगा, और मुझे चाहिए ये टमाटर एंड थोड़ा सा कैप्सिकम बस। तो चलिए इन सबको पहले काट लेते हैं। अभी मैं ले लूंगी एक बोल और सारे सब्जियों को इस बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। तो अभी इसमें मैं डालूंगी ये मेयोनीज 1 टेबलस्पून। अभी मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो अभी मैं पिज्जा को प्रिपेयर करूंगी, उसके लिए मुझे 2 स्लाइसेस ब्रेड चाहिए क्योंकि मैं 2 पिज्जा बना रही हूँ, तो मैंने इधर इसको रख दिया है। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी ये पिज्जा पास्ता सॉस। अभी इसको अच्छे से मुझे स्प्रेड करना है। अभी मैं 1 चीज़ क्यूब्स लूंगी और इसके ऊपर इसको ब्रेड के ऊपर इसको ग्रेट कर दूंगी। यहाँ पे ही अगर आपको अमूल का चीज स्प्रेड मिलता है तो एक एक ब्रेड के ऊपर और दूसरा एक ब्रेड के ऊपर आप इस टाइम पे डाल सकते हो। तो अभी मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो मैंने पिज्जा को ग्रेट कर लिया है, इसके ऊपर मैं डालूंगी ये सब्जियाँ। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी ये 2 सीजनिंग, ओरिगैनो एंड पिज्जा मिक्स। तो इसके ऊपर फिर से मैं अभी एक और क्यूब चीज को ग्रेट करके डाल दूंगी। तो ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इसको बेक करूंगी। अभी मैं इंडक्शन के ऊपर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी और उसके अंदर ऐसा वाला एक प्लेट या तो फिर आपके पास अगर वो ट्रे आता है ना वो है तो आप उसको डाल सकते हो। तो मैं यही वाला डालूंगी और इसको ऐसे रख दूंगी। इसके ऊपर ही मैं ब्रेड को डाल के बेक करूंगी क्योंकि अगर मैं नीचे रखूंगी ना तो ब्रेड जो है वो नीचे से जल सकता है। तो इसके लिए ये अभी ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके ऊपर मैं ब्रेड को प्लेस करके इसको एकदम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। तो ये गर्म हो चुका है, अभी इसके ऊपर मैं एक ब्रेड को प्लेस कर रही हूँ और अभी इसको मैं ढक दूंगी। A few moments later. तो ये बन चुका है, अभी मैं इसको निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं गैस को बंद करती हूँ, बंद कर दिया है। ये आप देख सकते हो जो चीज है वो लगभग मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।